एक गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीटी यानी ब्लॉग ट्यूब में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस गैजेट के बारे में। क्रैश ब्रांड का है, CS30 कार FM ट्रांसमीटर। ये एक चार्जर भी है, तो देखते हैं खोल के। अगर आपने आपको अपनी कार के लिए चार्जर चाहिए, मोबाइल चार्जर, तो आप ये ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा गैजेट है। ये है इसके यूज़र मैनुअल, इसको साइड में रखते हैं। ये है गैजेट, कुछ इतना सा ये अब गैजेट है। बहुत ही छोटा गैजेट है, हल्का है, बहुत ही अच्छा। ये इसमें दो पोर्ट दिया गया है, ये आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं इसमें। और ये चार्ज के लिए है, ये भी चार्ज के लिए है। ये 3.1 एम्पियर का है, ये भी 3.1 एम्पियर मैक्स है, ये 3.1 एम्पियर है। ये फास्ट चार्ज सुपर नहीं करता, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग इसमें हो जाता है। ये आप 3 बटन्स देख सकते हैं, ये जो चारों तरफ से ये दिख रहे हैं। इसमें LED लाइट्स हैं, ये इसके ज़रिए से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 7 लाइट्स कलर हैं, तो आप इसको इसके बटन के ज़रिए से इसको लाइट्स को बदल सकते हैं या फिर इसको बंद कर सकते हैं। और ये जो बटन दिख रहा है, इसमें आपको प्रीवियस ट्रैक चलेगा, ये नेक्स्ट ट्रैक, और प्लस इसको आपका दबा के रख इसको दबाएंगे तो आपका जो मेन कॉल आएगा वो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उससे। या फिर इसको आपको कॉल को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसी को दबाइए, वो डिक्लाइन हो जाएगा। और ये नोब भी है, इसको आप दबा के रखेंगे तो ये आपका जो रेडियो रेडियो स्टेशन जो चैनल होगा, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वो आप इससे दबा के रखिए। उसके बाद नोब घुमा के आप इसको सेट कर सकते हैं आपके कार के स्टीरियो सिस्टम से, ठीक है। तो ये एक दो तीन पोर्ट हो गया इसमें, ये 2 से 4 होगा। इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ये कुछ इस तरह से हैं। इसको आपको अपने कार के 12 वोल्ट के सॉकेट में लगाना है, जिसे सिगरेट लाइटर कहते हैं। तो ये आपको मैं कार में लगा के भी दिखाऊंगा। इसको मैंने अमेजोन से इसको ऑर्डर किया था। यहाँ पे इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है वो 999 का है, लेकिन मुझे इतने का नहीं पड़ा, कम का पड़ा है अमेजन में। तो मैं अभी इसको कार में आपको लगा के दिखाऊंगा। ये इसकी माइक है, इसको आपके कार में लगाना है, सिगरेट लाइटर में इंसर्ट करना है। उसके बाद इसको एक फ्रीक्वेंसी में सेट करना है, जितना फ्रीक्वेंसी इसमें रहेगा वही सेम फ्रीक्वेंसी आपको कार के स्टीरियो में सेट कर लेना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए से। फिर आप इसको, जिसके अंदर ब्लूटूथ भी है, तो अपने स्मार्टफोन से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है। अब अपने मोबाइल से जो भी गाना बजाएंगे वो ब्लूटूथ के जरिए इसमें आएगा, और इससे आपको रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए आपके म्यूज़िक सिस्टम में जाएगा। फिर म्यूज़िक सिस्टम से होते बजेगा आपका गाना। बहुत ही अच्छा प्यारा गैजेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई वायर लगाने की कोई झंझट नहीं है, सीधे सिगरेट लाइटर में इंसर्ट कीजिए, वो आपके ऑटोमेटिकली रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए से एक ही फ्रीक्वेंसी होगा दोनों कार और इसमें, इसके वजह से आपके रेडियो से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होगा आपके मोबाइल से ब्लूटूथ के ज़रिए, और आपके कार म्यूज़िक सिस्टम में होगा रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए। तो चलते हैं कार में और आपको दिखाते हैं इसको सेट करके किस तरह से ये सेट होता है और गाना बजता है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कार में। आप ये देख सकते हैं, ये सिगरेट लाइटर, 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये है मेरे पास वो कार चार्जर। इसको लगाना है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, इसको इंसर्ट करना है। ये देखिए, अब लग चुका है ये। अब मैं इसको कार को ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से ग्लो करता है इसका लाइट। इसको आप इस बटन से लाइट का कलर कंट्रोल कर सकते हैं। ये दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अब ये बंद हो गया। अब ये देखिए, मेरा रेडियो ऑन हो चुका है। इसको मुझे देखिए, ये कितना पे है, 87.5 MHz पे। ये है 10.218, इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुआ अभी। इसको मुझे करना है 87.5, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी कर रहा हूँ 87 करना है मुझे। हो रहा है अभी 87.5। अभी आप देखिए, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अभी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। अब इससे हम ये इससे चार्ज भी कर सकते हैं, इसके ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ के ज़रिए हम इससे गाना भी बजा सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये है मेरे पास कोई मोबाइल, एक ये है मोबाइल, ये है इसका केबल। हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। नहीं, इसको यहीं पे लगाना है चार्ज के लिए, ठीक है। ये लग गया, अब मैं लगा देता हूँ इसको। इसमें आप देख सकते हैं, ये चार्ज हो रहा है। तो इसमें अगर लगाएंगे हम 3.5 एम्पियर का मैक्स,
इसमें आपका फास्ट चार्जर सपोर्ट होगा ये, लेकिन ये मोबाइल फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं करता है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मैं अभी आपको इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ गाना बजा के। ये देख सकते हैं मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है, मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ पहले। ये देख सकते हैं आप ब्लूटूथ है इसका, ये ऑन हो चुका है। अब ये देखिए करस करस C30 ये कनेक्ट भी हो चुका है। अभी अब मैं इससे एक गाना बजा के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये गाना बज रहा है। तो गाइज अभी आपने देखा ये अभी ब्लूटूथ से गाना बज रहा है, चल रहा है। मैंने इसका वॉल्यूम अभी कम कर दिया। ये इसके साथ मेरे कार के म्यूजिक स्टूडियो के साथ कोई ये वायर से कनेक्ट नहीं है, तो ये एक दूसरे से रेडियो ट्रांसमीटर के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं सेम है, 87.5 87.5। ये इससे रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए जुड़ा हुआ है, और ये इससे जो जुड़ा हुआ है मेरा मोबाइल ये ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कार चार्जर इसमें 3 in 1 तीन चीजें हैं, एक तो इसमें ब्लूटूथ भी है जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरा इसमें कार रेडियो ट्रांसमीटर है जो रेडियो कार के रेडियो से कनेक्ट हो जाता है, और दूसरा ये चार्जर भी है जिससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं कार में। तो बहुत ही प्यारा सा गैजेट है, आप इसे अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ से जाके आप ये बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे गैजेट है, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।